देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं मोना। भागलपुर जिला का 251वां स्थापना दिवस पर नागरिक विकास समिति ने दीपोत्सव कार्यक्रम का किया आयोजन। नागरिक विकास समिति द्वारा तिलका मांझी चौक तिलका मांझी प्रतिमा स्थल पर 251 दीप प्रज्वलित कर भागलपुर जिला का 251वां स्थापना दिवस मनाया गया। वहीं मौके पर नागरिक विकास समिति के अध्यक्ष रमन कर्ण ने कहा कि आज सारा भागलपुर उमंग एवं उत्साह में है। यह भागलपुर वासियों के लिए खुशी का विषय है कि उसे अपना स्थापना दिवस प्राप्त हो गया। वहीं दीप प्रज्वलित करते हुए महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि आचार संहिता के कारण इस वर्ष बेहतर तरीके से हम स्थापना दिवस नहीं मना सके, इसका हमें कसक है। अगले वर्ष धूमधाम से हम सभी भागलपुर वासी मिलकर स्थापना दिवस मनाएंगे। वहीं निगम के सभी चौक चौराहों का सौंदर्यकरण होने जा रहा है। वहीं उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन ने कहा कि नागरिक विकास समिति हमेशा से विकास एवं सद्भावना के लिए बेहतर काम कर रही है। साथ ही डॉक्टर हेमशंकर शर्मा ने कहा कि नागरिकों को अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। इस अवसर पर डॉक्टर आर के सिन्हा श्री अभय कांत झा सचिव सत्यनारायण प्रसाद के साथ उपस्थित लोगों ने स्थापना दिवस पर प्रकाश डाला। वहीं दूसरी ओर नागरिक विकास समिति दक्षिणी क्षेत्र इकाई द्वारा अध्यक्षता कृष्णा शाह की अध्यक्षता में मिर्जान हाट स्थित गोलंबर पर दीपोत्सव का कार्यक्रम किया गया, जिसमें सभी सदस्यों ने अपनी भागीदारी निभाई। यह समय आ गया कि इसके लिए जो भी प्रयास है उस सारे प्रयास को सामूहिक रूप से तेज किया जाए और बिहार का इकलौता सबसे पहला स्मार्ट सिटी की घोषणा जो हुई तकनीकी आधार पर वो भागलपुर शहर की हुई। तकनीकी जिन कारणों से भागलपुर ने अपना उस कंपटीशन को कम्पीट किया। 1753 में भागलपुर स्थापना दिवस का प्रारंभ हुआ और 1753 से इस सफर पूरा करते हुए 2024 251वां वर्ष पूरा किया है। मुझे पहले इसका क्षेत्र कहा जाता है कि राजमहल तक था और इधर पुरलिया तक तो काफी राजमहल काफी समृद्ध समृद्ध भागलपुर था। खैर आज जो भी है इसको हम लोग अच्छे से और आगे बढ़ाएं, इसको सींचे, इसको फलने फूलने दें और सब लोग हम लोग मिलकर एक साथ रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जिस दिन जिला का यह स्थापना हुई थी शायद 250 साल पहले किसी के दिमाग में आया था जब तीनों बिहार बंगाल और उड़ीसा एक साथ था उस समय भागलपुर में जिला बनाया जाए ये बहुत बड़ी बात है। और भागलपुर जिला ही नहीं ये प्रमंडल था जहाँ से यहाँ के आयुक्त सीधे तीनों राज्यों में जाया करते थे। आज के तारीख में भी प्रमंडल आवास के जुड़ा हुआ एक घाट है जिसमें जहाज से प्रमंडल आयुक्त जो है तीनों जगह जाया करते थे। तो एक ऐतिहासिक शहर है, यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी भी हैं और गंगा के किनारे ये बसा हुआ है। यहाँ में ही आश्रम बहुत ही सुंदर बना हुआ है। अजगैबीनाथ कहलगांव में विक्रमशिला बहुत कुछ यहाँ पर है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो दानवीर कर्ण की अंग भूमि है ये शहर रेशमी शहर कहलाता है। जो कि एक शुभ संख्या हम लोग मानते हैं 251 उसके साक्षी बन रहे हैं और वह भी उस जगह एकत्रित हुए हैं जो भागलपुर के गौरव हैं तिलका मांझी जिनका इतिहास भागलपुर के साथ जुड़ा हुआ है। और आज हम भागलपुर जिले के स्थापना दिवस को मनाते हुए यहाँ तिलका मांझी की प्रतिमा के सामने में दीपोत्सव मनाकर दीप जलाकर भागलपुर के निवासियों को
भागलपुर जिले के निवासियों को, भागलपुर शहर के निवासियों को अपनी शुभकामना प्रेषित करेंगे और ये संदेश देना चाहेंगे कि भागलपुर नागरिक विकास समिति हमारी संस्था इस शहर के लिए, हमें भलाई के लिए, इसे आगे ले जाने के लिए हमेशा तत्पर ही रही है और रहेगी। धन्यवाद। बहुत सारे ये अंग जनपद के नाम से जाना जाता है। भागलपुर एक ऐसा पुराने शहर है जो कर्ण भूमि के नाम से भी जानता है। यहाँ पे कर्ण राजा जो है दिवस मना रहा है। अरे हम सबको बहुत सौभाग्य की बात है कि यह 251वां स्थापना दिवस हम सभी मना रहे हैं। इसको हम लोग बहुत दिन से प्रयासरत हैं और हम लोगों को यह अवसर नहीं मिल रहा था। प्रशासन ने साथ तक पहुँच की और इस पहल के बाद काम हुआ है। प्रशासन ने सभी से पहल की और 4 तारीख को जो विधायक हुआ है उत्साह में है और हम समझते हैं कि यह अगले साल आचार संहिता जब नहीं रहेगा तो पूरा भागलपुर में जोश के साथ हम लोग इस स्थापना दिवस को मनाएंगे।